नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं प्रतिमा। आज भानुप्रतापपुर में पिछड़ा वर्ग समुदाय द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान भानुप्रतापपुर में यातायात पूरी तरह बंधित रही है। भानुप्रतापपुर में विशाल जन समुदाय की रैली ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी मांगों को लेकर कितनी सजग है। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के बाद पहली बार जिले में ओबीसी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रही है। यहां 10,000 से ज्यादा की संख्या में ओबीसी एकजुट हुए हैं। ओबीसी समाज ने विशाल रैली में प्रमुख मांगों में छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण दिए जाने, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना किए जाने, पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वनवासी होने के नाते 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भानुप्रतापपुर में विशाल रैली निकाली गई है। देखो भाई, हम एक बार 2012-13 में हमारी आवाज़ पिछड़ा वर्ग की आवाज़ बुलंद करने, अभी अपनी अधिकार की रैली के लिए हम कांकेर से लेकर रायपुर तक के पद यात्रा हम किए थे। उस समय भी हमारा यही मांग था कि हमारी मांग मेन मुद्दा है, हमारी छत्तीसगढ़ में 52% आबादी के हिसाब से हमारा जो आरक्षण है बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो इस भारत के प्रथम कानून मंत्री, इन्होंने अपने ओबीसी इनके आरक्षण के प्रति वो अपनी कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। हमको अपनी मांग, मेन मांग है हमारी 27% आरक्षण, है ना, और हमारी आरक्षण हम शासन प्रशासन से लेंगे। उस समय भी हमारी मांगे को अनदेखा किया गया, लेकिन इस समय अपन फिर से एक बार इकट्ठा होकर हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए भानुप्रतापपुर ब्लॉक से जिला स्तरीय, है ना, अपनी आरक्षण की रैली के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आर्थिक जनगणना को लेकर क्या कहेंगे जो आज भानुप्रतापपुर से पिछड़ा वर्ग अधिकार रैली की शंखनाद हुआ है, और हमारा 6 सूत्री मांग है। इन मांगों को चाहे जो भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरा नहीं करेंगे तो ये अभी ये चिंगारी है जो कहीं मसाल का रूप ना ले ले, और आज यहाँ से शुरुआत हुई है। और हमारा जो मुख्य मांग है वो छत्तीसगढ़ राज्य में 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है, इसके आधार पे पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की अलग से स्थापना किया जाए ताकि पिछड़ा वर्ग के हित में काम हो सके। तीसरा मांग है कि पिछड़ा वर्ग कि जहाँ भी बहुत संख्या में लोग रहते हैं वहाँ सरपंच का पद, जनपद सदस्य का पद, या कहें तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। और हमारा जो 5वां मांग है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर उच्च शिक्षा तक जो संचालित है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या छत्तीसगढ़ का सरकार हो, उसमें 27% आरक्षण आश्रम और छात्रावास में या सभी क्लास में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये 5वां मांग है। 6वां मांग ये है कि यहाँ पे जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिनका वन अधिकार पट्टा लंबित है, उसको तत्काल दिया जाए, और जो 75 साल की क्राइटेरिया है उसको ख़त्म करके जो आदिवासी भाइयों के लिए जो क्राइटेरिया है वो किया जाए, क्योंकि हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के जल और जंगल जमीन में हमारा भी अधिकार है। आज अधिकार रैली के रूप में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जो भानुप्रतापपुर बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार पे इसलिए एकत्रित हुई है कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किया गया है, उन समस्त पिछड़ा वर्ग समाज के प्रत्येक नागरिक को कम से कम बच्चों को अनदेखा ना किया जाए, उनके भविष्य को देखते हुए जो संवैधानिक रूप से हमें अधिकार मिला हुआ है, खास करके उन अधिकारों के प्रति आज पिछड़ा वर्ग जाग चुका है और सरकार को बताना चाहती है कि वे भी सजग हो जाएं ताकि आने वाले भविष्य में कहीं ये चिंगारी फिर से ज्वाला न बन जाए, ये भी संदेश देना चाहती है। और हम चाहते हैं जिस प्रकार संविधान कहती है कि समानता की बात, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक सम्मान की बात हो, अथवा तो रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग समाज को जो है बराबर का जो है अधिकार जो दिया गया है संवैधानिक रूप से, वह सर्व पिछड़ा वर्ग समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे महारैली जो है कि आयोजन भानुप्रतापपुर में जो है की गई है।